गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अविनाश आर्य। आज यूपीएससी और जेपीएससी, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? अवेयर हो आप लोग? चलिए आज मैं आप लोगों को अवेयर करवाऊंगा यूपीएससी के स्पेसिफिक। आज का जो सेशन है वो यूपीएससी का है। मैं एज अ यूपीएससी जेपीएससी जीएस जनरल स्टडीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ पेपर जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और जनरल साइंस, हिस्ट्री के भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हों जिनका एज अ मेंटर मैं सीडिंग सक्सेस में आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। बात करते हैं आज यूपीएससी की। यूपीएससी शुरू करने से पहले मैं इसकी शुरुआत एक शायरी से करना चाहूँगा, ठीक है? कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, ठीक है? शायरी का कहने का मतलब ये था कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप दिमाग में ये रख लो कि आपको खुद को इतना मजबूत करना होगा कि खुद वो कंडीशन क्रिएट हो जाए कि आप एक आईएएस, आईपीएस या किसी भी आईआरएस या ग्रेड एक ऑफिसर में आप अपने आप को देख पाओ, ठीक है? अब अपने आप को देखने के लिए आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों का क्वेरी होता है कि क्या सर मैं यूपीएससी कर पाऊँगा? तो बहुत इजी सवाल है। हाँ भाई, क्यों नहीं कर पाओगे? समझ में आया? ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्लियर है? चलिए, और बहुत से अब आते हैं सिलेबस। यार बहुत से लोगों का लगता है यूपीएससी का सिलेबस क्या है सर, बहुत वास्ट है। यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता क्या पढ़ें। तो ये क्या होता है ना, जब बच्चे तैयारी करते हैं तो अगर एक सही मेंटर ना मिले आपको, एक सही प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो बच्चे भटक ही जाते हैं, ठीक है? क्योंकि बनना आपको क्या है, विद्वान नहीं बनना है आपको। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्स निकालने हैं, ठीक है? अगर यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करें तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं हाउ टू क्रैक यूपीएससी, ठीक है? और व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का सिलेबस क्या है और आप यूपीएससी को कैसे क्रैक करोगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि जब आप एक घर बनाते हैं ना तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसके बेसिक जो प्लेन्स पिलर होते हैं उसको तैयार करते हैं। उसी तरह अगर यूपीएससी के लिए आप फोकस्ड हो, और यूपीएससी का भी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है, यूपीएससी 2021, अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं कि मुझे यूपीएससी 2021 क्लियर करना है, ठीक है, मुझे यूपीएससी 2021 क्लियर करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। आप सीडिंग सक्सेस के क्लास में आपको जो हमारे मेंटर्स हैं, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग के मेंटर हो अभिषेक सर हो, या ज्योग्राफी के आदित्य सर हो, या अदर्स जो हिस्ट्री के अमित सर हो, या कोई भी, या एज अ जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एज अ मेंटर, तो आपको बहुत सारे हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको एक परफेक्ट नॉलेज देंगे अपने सब्जेक्ट्स में, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। यूपीएससी का सिलेबस बेसिकली तीन फेज़ों में बटा हुआ है। इसके एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो एग्ज़ाम जो है इसका वो तीन फेज में बटा हुआ है, ठीक है? फेज़ क्या है इसका? फेज़ वन इज़ कॉल्ड पीटी। पहला जो फेज़ है वो क्या कहलाता है? पीटी कहलाता है, क्लियर है? दूसरा जो फेज़ है वो कहलाता है मेंस, और तीसरा जो फेज़ है वो कहलाता है इंटरव्यू, क्लियर? तीन फेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। बच्चों का बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्वेरी होती है कि सर मेरा बेसिक डिफरेंस मेरे को पता नहीं कि पीटी और मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है? चलिए आज हम लोग वो भी देखते हैं कि पीटी और मेंस का सिलेबस क्या है। हम लोग फेज़ वन से शुरू करेंगे, फेज़ टू में जाएंगे, फिर फेज़ थ्री में जाएंगे, और फिर ये भी देखेंगे। ये तो सिलेबस डिस्कशन हो गया, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी, ठीक है? आप यूपीएससी क्लियर कैसे करोगे, क्या बेसिक चीज़ें हैं, किस तरह से एक पैटर्न की तैयारी होती है जिस पर आप अपने एग्जाम्स को क्लियर करते हो, क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग फेज़ वन पे। मैं अब इसको रब करता हूँ और फेज़ वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लियर है एवरीवन? चलिए गुड। हम लोग क्या करते हैं, आते हैं फेज़ वन। पहला जो मेरा फेज था, फेज वन, दैट इज कॉल्ड पीटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा,
क्लियर है? चलिए हम लोग इस पर आते हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, जो पीटी होता है, किसका हम लोग किसकी बात कर रहे हैं आज? यूपीएससी, स्पेसिफिक यूपीएससी क्लास है ये, कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस है, ठीक है, और कैसे क्रैक करना है। पीटी की बात करें फेज वन की, तो पीटी में दो पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है जीएस, दूसरा पेपर होता है सीसैट। सीसैट पेपर नहीं बल्कि से हम कहेंगे एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर क्या पढ़ना है जब मैं अभी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं जीएस की। चलिए सिलेबस आने से पहले दोनों के ये जान लीजिए कि हमारा जो पहला फेज होता है पीटी, वो प्योर कैसा होता है। फेज वन जो पीटी होता है ये प्योर ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। क्या होता है? प्योर ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? किसी भी तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे इसमें। आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसके क्या देंगे, चार ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। तो आपको वहाँ पर अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आज हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस पकड़ने के क्या तरीके हैं यूपीएससी में। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जाए। आइदर सिलेक्शन प्रोसेस किस क्वेश्चन पे लगाना है या एलिमिनेशन प्रोसेस किस प्रोसेस में लगाना है। मतलब क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो यूपीएससी कोई भी क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में नहीं देती है, वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, वो थोड़ा घुमा कर देती है, ठीक है। तो कहाँ पर हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है क्वेश्चंस को, और कहाँ सेलेक्ट करना है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। चलिए आते हैं वापस इस सिलेबस में। फेज वन पीटी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। अब हम जीएस की बात करें। जीएस का जो कॉमन पेपर होता है, जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ठीक है, करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, टेक यानी टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी कुछ इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, समझ लीजिए जो भी सब्जेक्ट्स आपके क्लासेस में होते हैं, चाहे हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स के हों, या जितने भी यहाँ पर हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, करंट अफेयर्स साल, डेढ़ साल, दो साल का, चाहे करंट अफेयर्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो नॉर्मल करंट अफेयर्स, दूसरा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, तो बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर एक पेपर होता है, पहला जीएस पेपर। क्लियर है? कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। क्लियर है? ये है मेरा पहला जीएस पेपर, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आएंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं पेपर टू, यानी कि सी सैट। मैंने कहा कि सी सैट एक पैटर्न है। ये पैटर्न इसलिए क्योंकि इसमें जो पैटर्न लाया गया था, पहले क्या था कि पहले इसमें काफ़ी विवाद हुआ था सी सैट से पहले, और बाद में इस पैटर्न को हटाने की बहुत मांग भी हुई थी, कि बहुत से बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, जो आर्ट्स बिल्कुल बैकग्राउंड के होते हैं, उनका क्या डिमांड था, उनका डिमांड था कि इस पैटर्न को हटा दिए क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ इंक्लूड रहता था, ठीक है। तो हम लोग, लेकिन हुआ क्या कि फाइनली यूपीएससी ने इस पैटर्न को अभी तक नहीं हटाया और अभी यही पैटर्न चल रहा है। तो आपको दिमाग में क्या रख के चलना है कि हमारा यही पैटर्न। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर जो सिलेबस होता है वो सिंपल मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश में मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, मतलब पैराग्राफ, आप क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। रीजनिंग में अगर आप बात करें तो वर्बल, नॉन वर्बल के दोनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और मैथ्स की जहाँ तक बात करें तो मैथ्स क्या है, जो जनरल कंपटीशन का मैथ्स होता है उससे भी इजी मैथ्स होते हैं। लोगों को बहुत डर रहता है कि सर सी सैट बहुत हार्ड है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, सी सैट कुछ हार्ड नहीं है, सी सैट बहुत ईजी है, ठीक है। सी सैट में क्या है, सी सैट में आपको मैथ्स जो दिया जाएगा वो बिल्कुल इतना ईजी वे का मैथ्स होता है कि अगर आप मुश्किल से अगर एक महीना इस पेपर की तैयारी कर लो, एक से डेढ़ महीने, और एक सही मेंटर आपको गाइड कर दे, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जीएस पेपर तो मेरा आपने देख लिया, पेपर वन है, ठीक है, ये मेरा पीटी का पेपर, पेपर वन है, और ये पीटी का पेपर टू है। क्लियर है? इसमें सबसे जो जानने वाली बात है कि जो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, कौन सा पेपर है,
सी सेट जो मेरा पेपर टू है, ठीक है, वो मेरा क्या है, क्वालिफाइंग है। मतलब आपको इसमें सिर्फ कितना लाना है, 33%। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सोचा रही है 33% लाना है, चलो आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। क्या करना है कि हमको उतने ही डेडिकेशन से इसको भी पढ़ना है, क्योंकि अगर ये पेपर आपका क्लियर नहीं होता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा। क्लियर है? यानी सबसे पहले जो चेक होता है आपका सी सैट का पेपर चेक होता है, और जो बच्चे सी सैट में 33% लाकर क्वालिफाई कर जाते हैं, उन्हीं का पेपर कौन सा चेक होता है, जीएस, क्योंकि इसी पे पीटी का जो मेरिट लिस्ट होता है बनता है। पीटी का मेरिट लिस्ट मतलब जो बच्चे पीटी निकालेंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो पूरा जो डिसाइड करता है कौन करता है, जीएस पेपर करता है, ठीक है, कौन करता है, जीएस पेपर। चलिए, जीएस पेपर आपको जैसे पता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ठीक है। अब मेरा जो डिसाइडेबल फैक्टर है किस क्वेश्चन पैटर्न पे होता है, मान लीजिए यहाँ 100 क्वेश्चन है आपके रहते हैं, कितने क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में अभी तक का जो पैटर्न देखा जा रहा है, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ये पेपर वन है जो जीएस का पेपर है, पेपर टू जो है मेरा वो कौन सा, सी सैट का। सी सैट क्वालिफाइंग होता है, 33% लाना ज़रूरी होता है, तभी जब आप ये पेपर क्वालिफाई करोगे तभी आपका ये पेपर चेक होगा। क्लियर कट? ओके फाइन, चलिए इसको रब करते हैं और आगे देखते हैं। जैसा मैं थोड़ा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड और कर देता हूँ कि मेरा कौन सा पेपर था, जीएस था, ठीक है, कौन सा पेपर था, पेपर वन, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यूपीएससी के, अगर आप लास्ट 5 साल 6 साल देख ले तो आप देखोगे कि जो जनरल का कट ऑफ रहा है, इसमें कट ऑफ करने का मतलब कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यहाँ पर कि ये नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, आपको इससे बचना है। क्योंकि अगर आप मान लो 70 बना के आते हो बहुत अच्छा, और आपने 20 गलत कर दिया, तो आप कहाँ लुढ़क जाओगे वापस आके 50 क्वेश्चंस पे, और वो जो 20 माइनस होगा आपके नंबर्स पे, वो आपको कहीं ना कहीं रेस से बाहर ढकेल देगा। तो आपको इस चीज़ को बहुत ही गौर करना है कि नेगेटिव जो मार्किंग हो रही है मेरी, वो नेगेटिव मार्किंग से मुझे बचना है। क्लियर है? चलिए, अभी जो हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो जनरल्स के लिए जो अभी तक देखा गया, मेरे पास इस पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। और मुझे एग्जाम्स निकालने के लिए, पीटी का एग्जाम्स निकालने के लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की, अभी तक जो देखा गया है 55 से 60 क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी का सही कर लेता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद भी आपके 55 से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप पीटी क्वालिफाई आराम से करोगे। अब यहाँ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनाने की कि हम पीटी को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे आफ्टर सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये भी स्ट्रैटेजी हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि कैसे पीटी क्वालिफाई करना है, कैसे मेंस क्वालिफाई करना। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर था, मेरा जो क्वेश्चंस है वो अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन बना लेते हैं पीटी में, जीएस पेपर पेपर वन में, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और आपको किससे बचना है, नेगेटिव मार्किंग से। कहने का मतलब है कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में कोई बच्चा क्या बना लेता है, 100 में कोई बच्चा 70 क्वेश्चन बनाता है। क्लियर है? 70 क्वेश्चन बनाता है और उसका 55 से 60 सही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें कितना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर 55 से 60 सही है, अगर एवरेज माने कि 15 क्वेश्चन मेरे क्या हो जा रहे हैं, रॉन्ग हो जा रहे हैं, मतलब गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1/3 मार्किंग है, तो 15 को आप कितने कर दिए, 3 से कर दिए, यानी आपका 4 नंबर ही माइनस होगा, तब भी आप मेरिट लिस्ट में आराम से आ जाओगे। यानी आप 70 क्वेश्चन टिक मारो, कम से कम उसमें 55 से 60 के बीच के आपका जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। ये बहुत स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ना पड़ता है। ये कौन बताएगा आपको, ये बताएंगे आपके मेंटर्स, ठीक है।
आपके मेंटर्स ही आपको गाइड करेंगे कि पीटी जो है आपको कैसे निकालना है। क्लियर? बहुत बहुत सोच समझ कर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि आखिर हम कैसे इसकी तैयारी करें कि पीटी मेरा निकल जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए क्वेश्चन जो पैटर्न है, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न देखोगे तो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न है आप देखिएगा कि उसमें क्या है, वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ही स्ट्रेट वे में रहते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन सराउंडिंग्स रहते हैं, मतलब आपको घुमा कर दिया रहेंगे, ठीक है। और घुमा हुआ क्वेश्चन जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है, अगर आपको वो सही नॉलेज रहे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अगर मेंटर्स आपको सही नोट्स दे रहे हैं, सही गाइडेंस दे रहे हैं, तो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। पॉलिटी के अगर मेंटर्स आपके बहुत अच्छे हैं, पॉलिटी का आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन कितनों भी घुमा दें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मेरा बेसिक नॉलेज अच्छा है, मेरी बेसिक जड़ मजबूत है, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जब घर का नींव मजबूत होता है ना तो उस पर जो ढांचा तैयार होता है वो मजबूत ही होता है, ठीक है। आप नींव अगर कमज़ोर रखेंगे अपने तो अब बहुत दिन आपका वो जो घर है वो टिक नहीं पाएगा। उसी तरह यूपीएससी में मेरे भाई कि आप क्या है कि यूपीएससी का जो आपका नींव है वो आपके मेंटर्स तैयार करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए मेंटर्स की भूमिका बहुत अहम होती है और उनका चुनाव, उनका सिलेक्शन भी बहुत अहम होता है। सीडिंग सक्सेस जो हमारा क्लास है वो आपको इसी तरह के मेंटर्स का एक जो एसोसिएशन है, एक ग्रुप ऑफ, एक बंच ऑफ मेंटर्स है, वो आपको देगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज के लिए, जो आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस देंगे ताकि आप यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर्स एग्जाम्स को आराम से क्वालिफाई कर पाएँ। क्लियर है? ठीक है, चलिए, ये था मेरा पीटी का पैटर्न समरी। पीटी दो पेपर होते हैं, पेपर वन जीएस, पेपर टू सीपैट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। क्लियर है? आपको 55 से 60 जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है, तो वो पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं। उसी तरह इन्हीं में अगर आप ओबीसी का जोड़ लीजिए तो थोड़ा कम होगा, ठीक है, 50 के आसपास ओबीसी के बच्चे 50 क्वेश्चन के आसपास बना लेते हैं तो उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाता है। अगर उसी तरह 45 से 50 के बीच में एससी एसटी के बच्चे बना लेते हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न पर। चलिए, अब मैं इसको रद्द करता हूँ और हम लोग आते हैं मेंस में, जहाँ तक ये था मेरा पीटी का सिलेबस, ठीक है। और आप जब याद रखिएगा कि जब फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है वो पीटी से नहीं बनता, पीटी सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है ताकि बच्चे जो मेरी भीड़ है वो छट जाए। मेन तो खेल जो होता है, और मेन सारा जो देखिएगा जो गेम होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपका मेंस और इंटरव्यू में। यही वो चरण है जहाँ आपको पीटी निकालने के बाद संघर्ष का वास्तविक जो मूलभूत आधार है पता चलता है कि हमें कितना संघर्ष करना है और हमारी तैयारी कैसी होगी। ये थी पीटी का, चलो ये था पीटी का सिलेबस। क्लियर है? रैप कर रहा हूँ, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेंस सिलेबस पर। कितने लोगों ने साफिन हसन का नाम सुना है, कितने लोगों ने टीना धाबी का नाम सुना है, कितने लोगों ने अतुल का नाम सुना है, कितने लोगों ने रोमन सैनी का नाम सुना है, कितने लोगों ने बहुत सारे ऐसे आप देखोगे आईएएस आईपीएस हैं हमारे, अगर नज़दीक में देख लो तो पटना में बहुत चर्चित एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं मनु महाराज, ठीक है। रांची में उसी तरह अगर आप देखोगे तो अरविंद पांडे थे, अनिल पाल्टा थे, बहुत ही जिन्होंने बहुत नाम कमाया एज ए आईपीएस, एज ए पुलिस अधिकारी। यहाँ बहुत सारे आईएएस भी बहुत हैं, टीना भाभी आप देख सकते हो एज ए आईएएस बहुत नाम कमा चुकी हैं, ठीक है। तो बहुत लोग हैं जो आईएएस आईपीएस रह चुके हैं। ये आईएएस आईपीएस का जो जुनून है बनने का, ठीक है, वो जुनून आपको पालना पड़ेगा अपने अंदर। कहते हैं ना कि समंदर से किनारा नहीं मिलता, समुंदर को तैर कर पार करने का हौसला होता है, ठीक है। अभी कितने लोगों ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर दिया, उनके हौसले को सलाम जिन्होंने ये जज्बा दिखाया। कितने आप बहुत से ऐसे देखोगे कि बहुत से ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर झंडा फहरा दिया, उनको चढ़ने में कितनी तकलीफ हुई होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, उस हौसले से उड़ान भरी और जाकर वहाँ हिमालय में झंडा फहराया। इसी हौसले को आपके
तो क्या करना होगा, अपने अंदर जगाना होगा, उस जुनून को लाना होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो एक बहुत ही अच्छे स्मार्ट वर्क, एक बहुत ही अच्छे मेंटर के गाइडेंस में और आपके डेडिकेटेड पढ़ाई के साथ आप यूपीएससी 2021 को क्रैक कर सकते हो। बस ये हौसला आपको अपने अंदर क्या होगा, जगाना होगा, अंदर की चिंगारी को भड़काना होगा मेरे भाई कि हाँ मुझे 2021 की यूपीएससी को क्या करना है, क्रैक कर देना है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, जो पॉसिबल है, क्लियर है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने सुना होगा कि इम्पॉसिबल के साथ भी क्या लगा हुआ है, आई एम पॉसिबल। ठीक है, यानी हर एक चीज़ें जो है जो इम्पॉसिबल है वो अपने आप में पॉसिबल है, बस आपके ठानने की देर है। तो चलो आज हम लोग ठान लेते हैं कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है और हम सीडिंग सक्सेस के मेंटर्स के रूप में आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे गाइडेंस, वो मेंटरशिप, वो नोट्स, वो कंटेंट्स कि आप अपने ख्वाबों, अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे। क्लियर है, चलिए हम आते हैं। पीटी का मेरा सिलेबस हो गया था, अब पीटी के बाद हम आते हैं फेज टू में। ठीक है, मेरा फेज वन क्या था, मेरा फेज वन था पीटी। पीटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब फेज टू पे आते हैं। ठीक है, फेज टू है मेरा मेंस। यहीं से जो होता है ना, सारा जो सेट होता है कि भाई एग्जाम्स का जो मार्किंग होगा वो कैसा होगा, यहीं से शुरू होता है। क्योंकि पीटी तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट जो बनेगा, जो टॉप रैंकर्स जो इंडिया के बनेंगे, वो मान लीजिए अगर 1000 का सीट निकलता है या 400, 500, 600 जो भी सीट्स आते हैं, उन जो मेरिट लिस्ट बनता है 600 बच्चों का बनेगा, यहीं से शुरुआत होती है उसकी। वो किससे बनती है, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स से। ठीक है, यानी फेज थ्री। ठीक है, फेज थ्री, ये मेरा फेज थ्री है। इन दोनों को मिलाकर ये हमारा क्या बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। अब हम लोग पहले फेज टू का डिस्कशन करेंगे, फिर फेज थ्री का डिस्कशन करेंगे। हम लोग फेज टू की बात करते हैं, तो मैं अगर आता हूँ फेज टू पर, तो ये है मेंस। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मेंस के सिलेबस का डिस्कशन। क्लियर है, आते हैं मेंस में। टोटल कितने पेपर होते हैं, तो टोटल 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर। ठीक है, 9 पेपर। इसका जो पैटर्न होता है मेंस का, वो क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। क्लियर है, क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। मतलब सब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव था, चार ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन यहाँ कोई भी क्वेश्चंस जो आएगा वो पूरी उसका जो आंसर राइटिंग होगा, उसको पूरी व्याख्या के साथ देना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम आप कॉलेज के एग्जाम्स में किसी सब्जेक्ट के एग्जाम देते होगे, तो आपको एक क्वेश्चंस, एक पेज, डेढ़ पेज एक आंसर लिखना पड़ता होगा, किसी का 2 पेज जाता है, किसी का 3 पेज। उसी तरह ये सब्जेक्टिव पैटर्न है, यहाँ जो भी क्वेश्चंस आएंगे पूरे व्याख्या के साथ उसका विश्लेषण करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो नॉलेज है वही मैटर करता है। समझ में आ रहा है, हाँ, तो ये जो नॉलेज है वो मैटर करेगा आपका। चलिए हम लोग आते हैं फेज टू के पेपर्स में। मेरा पहला पेपर, पेपर वन, ये होता है एसे का पेपर। सिंपल है, ठीक है, एसे का पेपर मतलब जो भी हॉट टॉपिक्स, जो करंट हॉट टॉपिक्स मोस्टली चल रहे हैं, उसी पे आपको एक एसे लिखने दिया जाएगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि आपको गाय के बारे में एसे लिखने दिया जाता था, बैल के बारे में एसे लिखने दिया था, माई फैमिली, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे, वो बचपन का जो है वृहत रूप आ चुका है। तो अब जो एसे का होगा, ये मोस्टली करंट हॉट टॉपिक्स पे जो चल रहे हैं, ठीक है, करंट हॉट टॉपिक्स पे ही आपको लिखने दिया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर बात कर ले तो अभी हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट, वहाँ का भी आपको दिया जा सकता है। सिंपल है, इंडिया की बात कर ले, अभी कौन सा चल रहा है विवाद, आप सब देख रहे होंगे टीवी में डेली, किसान का बिल, किसान बिल का विवाद, आपको किसान बिल के बारे में दिया जा सकता है। क्या भाई किसान बिल है क्या, ठीक है, और उसमें कौन कौन से आर्टिकल से क्यों विवाद है, किसके लिए उन्होंने विवाद क्रिएट किया हुआ है, गवर्नमेंट का क्या स्टेप आते, तो ऐसे में ये सब आपको हॉट टॉपिक्स में मिलेंगे। क्लियर है, चलिए पेपर टू पे आते हैं। ये था मेरा पेपर वन। ठीक है, जहाँ तक मार्किंग की बात करें, तो ये मार्किंग हो जाएगा 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने का मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का। पेपर टू, पेपर टू पे आते हैं। पेपर टू जो मेरा है वो है आपका इंडियन हेरिटेज एंड
कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, क्लियर है। और इसमें थोड़ा सा ऐड होता है, वो है जनरल अवेयरनेस। मेरा पेपर टू क्या है? पेपर टू है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर मतलब हो गया भारतीय साहित्य एवं संस्कृति, ठीक है, भारतीय साहित्य संस्कृति परंपरा, ये हो गया इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना होगा कि मेरा हिंदू धर्म में क्या हुआ था, मेरा जैन धर्म में क्या था, ठीक है, पुराने में कौन कौन से वेद लिखे गए, कौन कौन से सांख्य दर्शन थे। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो हम लोग को इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में पढ़ना होगा। इसका जब टॉपिक डिस्कस किया जाएगा तो इसके एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, और कौन से बुक को फॉलो करना है, जो और बहुत सारे जो कंटेंट्स आपको मिलेंगे। बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ जो कंटेंट आपको दिया जाएगा ना, वो अपने आप में इतना सफिशियंट होगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं इससे, ठीक है। तो मेरा इसमें क्या आ जाता है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। फिर आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि हिस्ट्री में क्या आ जाएगा? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारा तीन पार्ट पहले ही है, ठीक है, एनिशियंट मतलब प्राचीनकालीन इतिहास, फिर आता है मेडिवियल, फिर क्या आ गया, मेडिवियल मतलब मध्यकालीन इतिहास, फिर आ गया आपका मॉडर्न मतलब आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास, क्लियर है। ये हो गया हिस्ट्री का, ये तो हो गया इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री में और क्या ऐड होगा? हिस्ट्री का एक और पार्ट इसमें ऐड होता है, वो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात कर ले तो हिस्ट्री मतलब क्या हो गया? हिस्ट्री मतलब हो गया जो बीता हुआ कल, जो प्राचीन में जो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी कुछ जो हमारे इतिहास में दर्ज है, उन्हीं इतिहास में दर्ज चीज़ों को हमें पढ़ना है। चाहे हम प्राचीन काल में जाएं तो हमें क्या पढ़ना है? पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या फिर महाजनपद काल, बौद्ध काल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राचीन काल में पढ़नी होंगी। वहीं अगर हम मिडिवल की बात करें तो मिडिवल में कहाँ शुरू हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये दो अपने आप में इतना बृहद टॉपिक है कि आपका पूरा मध्यकालीन वही कर लेता है। उसके अलावा कुछ दक्षिण भारत इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, चोल है, चालुक्य है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पे आते हैं, तो जब अंग्रेज इंटर कर गए भारत में, वहाँ से मॉडर्न शुरू हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजों का शासनकाल कैसा था, महात्मा गांधी का जो विरोध था कैसा था, कौन कौन से आंदोलन हुए, कैसे भारत आज़ाद हुआ, कैसे राज्यों का केंद्रीकरण, बहुत से हमारे जो रियासतें थीं जो बिल्कुल अलग हो चुकी थी हमारे स्वतंत्रता के पहले और पश्चात, उनको कैसे भारत में मिलाया गया बहुत से राज्यों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधुनिक काल में कंटेन करेंगी। जहाँ तक बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पता है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमको पढ़नी है। इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स होते हैं, तो सारे टॉपिक्स को आपको कवर किया जाएगा इसमें, कौन से, हिस्ट्री में, ठीक है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में। रही बात ज्योग्राफी की, तो सेम है, आप ज्योग्राफी की बात करोगे तो यहाँ ज्योग्राफी में भी क्या है कि आपको सारा वही है, भारत का ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, ठीक है, फिर फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे पार्ट्स इसमें कंटेन करेंगे। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी में आदित्य सर का जो सेशन है उसमें ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बिल्कुल बृहद में डिस्क्राइब किया गया है कि हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। उसी तरह जब हिस्ट्री का सेशन आएगा तो हिस्ट्री के जो मेंटर होंगे सर, वो भी आपको हिस्ट्री के बारे में पूरा बताएंगे कि हिस्ट्री में हमें प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में क्या सिलेबस है पढ़ना है और कैसे कैसे टॉपिक्स है। सारे टॉपिक्स एक एक करके बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजी वे में और बिल्कुल आराम से समझाए जाएंगे ताकि आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये
एक कॉमन आपका पार्ट हो गया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, प्लस जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या हो गया? जनरल अवेयरनेस करने का मतलब हो गया कि आज की जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में कहीं से भी कुछ उठाकर क्वेश्चन दे सकता है, समझ में आया? तो वो जनरल अवेयरनेस है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन अगर जनरल अवेयरनेस का इसी पार्ट में उससे पूछना होगा तो वो पूछ देगा कि आप अपने विचारों में भारत के कृषि कानूनों को कैसे देखते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, 300 शब्दों में बगल में लिखा रहेगा। तो जब इसकी व्याख्या आप करोगे तो आपको उसकी व्याख्या कैसी करनी है, कैसे उसका इंट्रोडक्शन देना है, किस आर्टिकल के तत्व और उसका जो नीचे का नैरेशन होता है, बीच के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे आपको लिखना है, वो कहाँ मिलेगा? वो हमारे कंटेंट्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, कि उसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, मेंस में कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जो क्लासेस होंगी वहाँ जो कंटेंट दिए जाएंगे वो आपको मेंस के लिए सफिशिएंट दिए जाएंगे, ताकि आप इसका जो स्किल राइटिंग है, राइटिंग जो स्किल है आपका, जो आंसर राइटिंग है, वो एक परफेक्ट नरेशन में हो। ठीक है, क्योंकि देखिए जब मेंस की बात आती है तो जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तो बहुत सिंपल है कि क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो आ गया, अब जो बच्चे हैं जो मेंस क्वालिफाई करेंगे, सारे बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं मेंस को लेकर सीरियस हो ही जाते हैं, तो सब पढ़ कर जाते हैं, टॉपिक उन्हें भी पता है, टॉपिक आपको भी पता है, क्लियर है? अंतर कहाँ होगा? अंतर होगा आपके आंसर राइटिंग में। सब कुछ वही पढ़ कर आएंगे, हिस्ट्री में उनको भी पता है क्या पढ़ना है, आपको भी पता है क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में वो भी लिखेंगे आंसर और आप भी लिखिएगा आंसर। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है यहाँ पर? डिफरेंस यहाँ पर आएगा आपके आंसर राइटिंग में। अगर आपका आंसर राइटिंग दूसरों से बेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मार्किंग होगा वो दूसरों से बेटर होगा। और यहाँ मेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्किंग फैक्टर, समझ में आया? क्योंकि जब मार्किंग फैक्टर आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, आपका मेंस का मार्क्स काफ़ी अच्छा होगा। और अगर मेंस का मार्क्स आपका अच्छा आ गया तो इंटरव्यू क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो आप एक मेरिट लिस्ट में आराम से आ जाओगे। लेकिन अगर आपका मेंस का मार्क्स ही गड़बड़ हो गया तब जो मेरिट लिस्ट में आना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको कौन देगा? ये डिफरेंस देगा आपकी आंसर राइटिंग का स्किल जो है वो देगा। क्लियर है? वो आपको कैसे देगा? वो जो कंटेंट हम आपको देंगे, वो जो नॉलेज हम आपको देंगे कि कैसे लिखना है, कैसे उसका समरी लिखना है, कहाँ उसका स्टार्टिंग कैसे करना है, कहाँ कौन से पॉइंट्स को उठाना है, हाईलाइट करना है, कहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कहाँ फिगर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो सारा कुछ आपको कौन देंगे? मेंटर बताएंगे। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो कहाँ मैपिंग आपको लगाना है, कहाँ फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में थ्योरी के साथ पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कहाँ करना है, कहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है, वो भी हम लोग बताएंगे। तो यहाँ हर एक मेंटर आपको अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो आपको कोई भी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो मेंस का कोई भी पेपर हो। क्लियर है? चलिए आते वापस। तो ये हो गया मेरा पेपर टू। ये भी कितने मार्क्स का होता है? अगर मार्किंग की बात करें तो ये भी कितने मार्क्स का होता है? 250 मार्क्स का। क्लियर है? चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। पेपर वन मेरा ऐसे हो गया, पेपर टू मेरा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा रब करता हूँ इसको। चलिए अभी तक जैसा आप लोग देखे थे पेपर वन पेपर टू, और हम लोग आते हैं पेपर थ्री पेपर फोर की तरफ। यहाँ पर आप देखिएगा, पेपर थ्री की बात करें तो उसका जो सिलेबस है वो क्या है? वो है गवर्नेंस, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, गवर्नेंस मतलब क्या हो गया? गवर्नेंस मतलब आपका जो प्रशासन है, ठीक है, हमें वो पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान, भारतीय संविधान हम आते हैं अभी इसमें डिटेल में भी आएंगे। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, ठीक है, यहाँ राजनीति नहीं है, पॉलिटी क्या है ना, पॉलिटी पॉलिटिक्स से ही आया हुआ एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो व्याख्या इसकी हिंदी में की गई है वो राज व्यवस्था के रूप में की गई है। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसके नीचे एक जो टॉपिक है यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, चलिए हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। पेपर थ्री प्रशासन, प्रशासन कहने का मतलब गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब क्या हो गया? गवर्नेंस मतलब हो गया कि सरकारें यहाँ पर कैसे काम करती हैं, मेरी जो केंद्र की सरकारें हैं और राज्य की सरकारें हैं उनका क्या प्रशासन है।
कैसे? यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, सेंट्रलाइज सिस्टम है या नॉन सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। आप प्रशासन में क्या पढ़ सकते हो कि केंद्र की क्या शक्तियाँ हैं, क्या पावर्स है, राज्य की क्या स्टेट की शक्तियाँ, स्टेट की पावर्स है, कैसे इनका बंटवारा किया जाता है, संघ जो शक्ति है या समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टॉपिक्स हैं जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह आते हैं भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, समझ लीजिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर बात करें तो भारत के राज्य व्यवस्था, भारत की इस राज्य व्यवस्था का ये पिलर है। हमारा संविधान ही हमें हर वो मूलभूत अधिकार देता है, हमारा संविधान ही हमें वो पावर देता है कि हम अपने नैतिक कर्तव्यों और नैतिक अधिकारों का मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा पावर है जो आपको हर एक चीज़ों की बारे में बृहद जानकारी देता है कि आपका क्या अधिकार है, आप कैसे जी सकते हो अपने अधिकारों के साथ, कहाँ अपने आप जब आपके अधिकारों का हनन होगा तो आप अपने उन हनन होते हुए अधिकारों का कहाँ मुकाबला कर सकते हो, कहाँ उसके खिलाफ अपने उनके अपील को दायर कर सकते हो। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान कब पारित हुआ, भारतीय संविधान की बैठक कब हुई, कब समिति बनी, भारतीय संविधान का प्रारूप क्या था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो भारतीय संविधान से जुड़े होते हैं। जो ओरिजिनल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, अभी का जो स्वरूप है वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में आते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जब बात कर लें तो सिंपल है कि हमें पॉलिटी में क्या पढ़ना है, सबसे जो तीन पिलर्स है इसके, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, जो इसके तीन पिलर्स है। इन तीन पिलर्स में ही अपने आप में बहुत से चैप्टर हैं, जहाँ अगर विधायिका की बात कर ले तो अपने आप में संसद, सांसद, विधायक, ठीक है, विधानसभा और क्या हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा, सारी कुछ इसमें चले जाएंगे विधायिका में। जहाँ कार्यपालिका की बात कर ले तो कार्यपालिका भी जो होंगे वो अपने आप में चुनाव आयोग, योजना आयोग, ठीक है, बहुत सारे लोक लेखा अधिकारी, जो बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे जो उसमें चले जाएंगे कार्यपालिका। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में जितने भी न्यायालय होंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं, सब न्यायपालिका में चले जाएंगे। यानी अगर हम और राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था में हमें तीन पिलर्स जो हैं वो तीनों पढ़ने होंगे। कौन कौन से? तो हमारे तीन पिलर्स कौन कौन से हो गए विधायिका, फिर कार्यपालिका और तीसरा जो पिलर है वो है न्यायपालिका, ठीक है। इन तीनों के बारे में बृहद रूप से पढ़ना है और इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मेरे संबंध आपके साथ कैसे हैं ये नहीं बताना है, यहाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का चाइना के साथ कैसा संबंध है, देख ही रहे अभी ऑलमोस्ट भयंकर टेंशन चल रहा है, कब युद्ध हो जाए ये भी नहीं पता चलता, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है तो नहीं लिख दीजिएगा कि बहुत मधुर संबंध है, ठीक है। तो मधुर अगर रहता तो अभी जो चल रहा है वो होता नहीं, अभी तो यहाँ एक दूसरे को कब दोनों बम मार देंगे वो भी नहीं पता चल रहा है, ये स्थिति हो गई है, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे लिखना है वो हम लोग बताएंगे। तो यहाँ क्या पूछा जाता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि भारत के नेपाल के साथ कैसे संबंध है, भारत के बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है, भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, अच्छे और बुरे दोनों, क्लियर है। कौन सा विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, कौन से सीमा विवाद है, कौन से चाइना के साथ सीमा विवाद है, मैकमोहन लाइंस क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो LOC में कौन सा विवाद चल रहा है और क्या क्या अभी हाल में गलवान घाटी हुआ, कहाँ हुआ था, चाइना के साथ हुआ था, आपको एक टॉपिक उठा कर दे देगा उससे लिखने, ठीक है, कि भारत का भी वर्तमान में जो घटनाक्रम घटा गलवान घाटी पर उसमें अपनी व्याख्या कीजिए और वो किस लिए उस पर विवाद चल रहा है, ठीक है। तो आपको जब तक उसका पूरा डीप नॉलेज नहीं होगा आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा। तो वो डीप नॉलेज आपको कौन देगा, वो देंगे आपके मेंटर्स, वो मेंटर आपको बताएंगे। इंटरनेशनल जब रिलेशन का चैप्टर चलेगा तो आपको बताएंगे कि उसमें भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है उसमें एक है गलवान घाटी विवाद, और उस गलवान घाटी विवाद के अंतर्गत क्या क्या डीप पॉइंट्स हैं जिन पर ये विवाद चल रहा है, तभी आप उसका आंसर एक सही से लिख पाओगे, ठीक है। तो मेंस में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है, लेकिन क्या है, स्मार्टली वर्क पढ़ना है। और स्मार्ट पढ़ने इसका करने का मतलब है कि आप बुक्स हज़ार होंगे, आपको हज़ार बुक्स नहीं पढ़ना, आपको विद्वान नहीं बनना, आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना, आपको IAS IPS बनना है, उसके बाद आप विद्वान बनते रहिए, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग स्मार्टली वर्क करेंगे, ठीक है। और स्मार्टली वर्क कब होगा, जब आपके मेंटर्स आपको पूरी तरह से स्मार्टली गाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे ही स्मार्टली गाइड करेंगे, आप ऑटोमेटिक उस पर धीरे धीरे आपकी पकड़ बनती जाएगी, और आने वाले टाइम पे जब आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगा, मेंस के लिए आपको तैयार किया जाएगा आपके स्किल को, जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे मेंस की जगह, टाइम टू टाइम हम लोग क्या करेंगे, जब आंसर राइटिंग स्किल के लिए आपको क्या होगा, आंसर मेंस टेस्ट सीरीज होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप इम्प्रूव कर जाएगा। उसके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर हमारा प्लान किया हुआ है कि आपके जो आंसर राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, सीडिंग सक्सेस एकमात्र उसका आंसर है, ठीक है, आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं उसका। चलिए आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से आप क्या समझते हो, क्या मतलब जो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट जो हो गया, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं वो? हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत से बच्चों का क्वेरी आ जाता है कि सर कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ ये सब क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है? ऑब्वियसली बात है, कोई भैया यूके में है, कोई यूएसए में है, तो क्या हो गया, यहाँ पर सब तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना, वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहने का मतलब है आपको मोस्टली किसके बारे में पढ़ना है, उन संस्थानों के बारे में जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में अपना हस्तक्षेप या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से करती है, ठीक है, चाहे वो भारत के ही परिप्रेक्ष्य में क्यों ना हो। तो क्या क्या हो सकता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, UNICEF, ठीक है, WHO, बहुत सारे ETC, बहुत सारे संस्थान, ये सब आप देखिएगा, बहुत सारे संस्थान हैं, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भारत के किसी ना किसी डिसीजंस में उनका योगदान रहता है। अगर आप बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो हमें कहीं कर्ज लेना पड़ता है, जब हमारी अर्थव्यवस्था को इसकी ज़रूरत होती है पैसों की, तो हम लोग कहाँ से कर्ज लेते हैं, भारत को ज़रूरत है तो RBI को अगर कर्ज लेना है छोटा मोटा, तो अपने ही बैंकों से ले लेती है, जो हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब बड़ा अमाउंट चाहिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और भारत को कुछ पैसों की ज़रूरत है उस वक्त, तो वो कहाँ से लेगी, वो लेगी वर्ल्ड बैंक या IMF से, ये डिसाइड सरकार स्वयं करती है कि हमें कहाँ से लेना है, ठीक है। तो पैसा जो वृहत लेवल पे जो देने का काम होता है किसके द्वारा होता है, वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा। उसी तरह अगर WHO की बात करें, तो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप कोरोना से इतना हम लोग सबको ही जूझ रहे थे, अभी हाल में वैक्सीनेशन आया, तो इसके पीछे वर्ल्ड कौन है, पूरा वर्ल्ड WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं उनका एक परिप्रेक्ष्य रहता है, चाहे वो भारत को वो फंडिंग के रूप में मदद करे, कुछ पैसों के रूप में कि आप उस वैक्सीन को डेवलप कीजिए, या किस टेक्नोलॉजी के रूप में मदद करे कि आप इस वैक्सीन को डेवलप कीजिए। और अभी भारत ने 2 वैक्सीनेशन को कर लीजिए, वो आप क्या है, मार्केट में आ चुका है, जो वैक्सीनेशन लोगों को पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं WHO का उसमें रूल होता है। उसी तरह अगर ट्रेड की बात करें, तो क्या है, WTO है, वर्ल्ड WTO भी इसमें आता है। इसमें और क्या आ जाएगा, इसमें अगर बात करें तो WTO भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर व्यापार हो, कोई भी आयात निर्यात होता है, जब दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रूप से, ठीक है, बहुत सारे देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तब किसकी, उसके लिए कौन सी संस्था है, उसके लिए है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, समझ में आया। तो इस तरह की बहुत सी संस्थाएं होती है जिनको हम लोग वृहत रूप से पढ़ेंगे कि इनकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इनके कितने मेंबर्स हैं, इनमें कब कौन जुड़े, इनका गठन कब हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो जब हम लोग इसका डीप में जाएंगे तो काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये था मेरा पेपर 3 का सिलेबस, क्लियर है। और ये भी कितने मार्क्स का होता है, ये भी होता है 250 मार्क्स का। चलिए अब हम आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में क्या पढ़ना है हमें, इकोनॉमिक्स, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंटल, जनरल साइंस एंड लैंड रिफॉर्म्स। थोड़ा हम इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, बात करें इकोनॉमिक्स की, हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें 3 पार्ट मेनली पढ़ना है। पहला जनरल इकोनॉमिक्स, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, और तीसरा है इकोनॉमिक, जिसे मैंने बांटा है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, ठीक है, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स।
देखिए मोस्टली आप लोग इन दोनों से बहुत अवेयर होता है कि भाई वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इकोनॉमी वर्ल्ड, विश्व की अर्थव्यवस्था क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। ये दो पार्ट हो गए, जनरल इकोनॉमिक्स हो गया भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स हो गया विश्व की अर्थव्यवस्था के संबंध में। लेकिन ये इकोनॉमिक करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये तो पढ़ लेते हैं कि जनरल पढ़ लिए भारत का क्या क्या अर्थव्यवस्था है, यहाँ आरबीआई क्या करती है, यहाँ की मौद्रिक नीति क्या है, यहाँ की राजकोषीय नीति क्या है, वर्ल्ड में भी हमने देख लिया कि भैया वर्ल्ड की मौद्रिक नीति क्या है, वर्ल्ड की राजकोषीय नीति क्या है और वर्ल्ड में कैसे सिनेरियो बैठता है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग देशों का। लेकिन क्या आपने कभी इस पर गौर किया इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में कि अभी कौन सी मुद्रा, अभी कौन सी करेंसी वर्तमान में अप टू डेट हुई है, कौन सा अभी हाल में जो करेंसी पे किस देश ने लॉन्च किया है, आपको पता भी है? ठीक है, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं जो यूपीएससी में आते हैं, सबने पढ़ लिया कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है चारों ओर से, ठीक है आपने पढ़ लिया, लेकिन वर्तमान में अभी हाल में किस कंट्री को लैंड लॉक्ड का दर्जा मिला है आपको पता है? नहीं पता होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें होती है अर्थव्यवस्था के संबंधित में। ठीक है, आपको ने मुद्रा व्यापार का सब कुछ पढ़ते कि भारत का चाइना के साथ व्यापार है, भारत का यूएसए के साथ व्यापार है, चलिए अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कभी पढ़ा, जैसे अभी राफेल का एक मुद्दा है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि राफेल के लिए अभी कितने पैसों का डील किया गया था और किस कंपनी के साथ किया था, सबको पता है किसके साथ किया, डिसॉल्ट के साथ किया गया था। ठीक है, तो आप जब डिसॉल्ट एविएशन के साथ हुआ तो डिसॉल्ट एविएशन में कितनी राशि के साथ हुआ था किसी को नहीं, सबने पता कर लिया डिसॉल्ट के साथ हुआ है, लेकिन कितने का करार था किसी को याद होगा? बहुत कम लोगों को याद होता है। लेकिन यूपीएससी उसी तरह के क्वेश्चंस को उठाकर क्वेश्चन में रख देती है और वहाँ पर हमारा सारा क्या होता है, हम क्या करके निकलते आते हैं, जब बाहर एग्जाम निकल के आते हैं तो हम बोलते हैं भाई क्या हो गया, सिल्ली मिस्टेक हो गया। और ये जो सिल्ली मिस्टेक हो जाता है वही क्या करता है, आपका एग्जाम्स को डिसक्वालीफाई करवा देता है। तो हमें किससे बचना है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिल्ली मिस्टेक से बचना होगा हमें। और ये सिल्ली मिस्टेक से बचने का एकमात्र उपाय क्या है कि आपका नॉलेज उतना डेप्थ हो, ठीक है, आपको जो कंटेंट्स मिले वो प्रॉपर हो। चलिए ये हो गया मेरा इकोनॉमिक्स। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि कौन से हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में कौन से रेड बुक डेटाज में हैं, कैसे इन्वायरमेंटल से बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल अपने आप में पूरा पर्यावरण है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी के कौन कौन से तंत्र होते हैं, इन्वायरमेंटल के कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भैया जो अभी नेशनल पार्क है, सब जानते हैं कि नेशनल पार्क है, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क की कैटेगराइजेशन कितनी है वो हम लोग को नहीं पता। ठीक है, उसमें एक सीटू इन सीटू क्या होता है वो हमको नहीं पता। तो एक सीटू क्या नेशनल पार्क एक सीटू में आता है या नेशनल पार्क इन सीटू में आता है ये भी हमें नहीं पता। जब इस तरह के कैटेगराइजेशन को हम पकड़ पाएंगे तभी हम अच्छे से आंसर इसका दे पाएंगे। और यूपीएससी इन्हीं टॉपिक्स पे आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन देगी, लेकिन अगर आपको नॉलेज देता रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएगा। और ये आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, ये प्रोवाइड कराएंगे आपके मेंटर्स। जब आपके मेंटर्स आपको क्लास लेंगे, आपको कंटेंट्स देंगे और क्लास में जब लाइव या ऑनलाइन डिस्कशन चलेगा तो जो आपके डाउट्स होंगे उसका क्लेरिफिकेशन भी आपके मेंटर्स करने वाले हैं। तो आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इवन जब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और उसको फिर उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए और उस टॉपिक में मुझे कैसे नॉलेज गेन करना है। सिर्फ वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, तो हम लोग वो भी डिस्कशन क्लास में करने वाले हैं। तो उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका छूट जाएगा, आपका इवन काफ़ी प्लस टॉपिक्स ही चलेंगे और आप आराम से एग्जाम्स में, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे पीटी का एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव ही मारी होगा। और जब मेंस लिखना बैठेगा तो आपका जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स आप मेंस के आंसर स्किल आपका बहुत मस्त होगा। ठीक है, तो मेरा ये हो गया इन्वायरमेंटल सेक्शन। जनरल साइंस में क्या है, जनरल साइंस आपको पता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, वही चीज़ें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। केमिस्ट्री में जाओ, फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स में जाओगे तो क्या पढ़ना है, लाइट पढ़ना है आपको, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो उसी तरह का नॉर्मल चीज़ है। अब यहाँ पर जाओगे तो केमिस्ट्री में शुरुआत होगा तो न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिविटी है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग है। तो आप जब जाओगे तो उसी तरह की जो चीज़ आपने 9th 10th में बचपन में पढ़ी होंगी वही सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। बस आपके मेंटर्स मस्त हों, आपको समझ में अच्छा आएगा, जब आपको समझ में अच्छा आएगा तो आप लिखोगे अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चंस पैटर्न्स फॉलो होते हैं जो आराम से पकड़े जा सकते हैं अगर आपका प्रॉपर गाइडेंस हो तो, ठीक है।
चलिए लैंड रिफॉर्म्स, इंडिया में कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए, पहला लैंड रिफॉर्म्स कितने वो पता है, अभी बोल देंगे। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स कब हुआ था, बहुत लोगों को नहीं पता था, किस स्टेट के लिए किया गया था, बिहार के लिए किया गया था पहला लैंड रिफॉर्म्स, आपको ये भी नहीं पता होगा। लेकिन जब ये कब होगा, जब आप पूरे टॉपिक पे अच्छे से आपकी पकड़ होगी, तो आपको पता होगा कि जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे अंग्रेजों के शासनकाल में, लैंड रिफॉर्म्स बहुत आए थे। अगर झारखंड की बात कर लें तो यहाँ का सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म्स है, जो यहाँ का काफ़ी विवाद का भी मुद्दा शुरू से रहा है। कौन है? CNT और SPT। JPSC में अपने आप में एक बहुत सारे क्वेश्चन से आ जाते हैं कि CNT कब आया, विल्किंसन रूल कब आया, SPT कब आया, SPT कहाँ पर चलता है, CNT कहाँ पर चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों को पढ़ने हैं, जो ना केवल नेशनल वाइड बल्कि जो अंग्रेजों के शासनकाल से अभी तक चले आ रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग को डिस्कस करना, इवन कुछ स्टेट वाइज भी इंपॉर्टेंट जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, क्लियर है। तो ये था मेरा पेपर 4 का सिलेबस, क्या था? इकोनॉमिक्स के तीन पार्ट यहाँ पर आपका क्लियर है, जनरल इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, देन एनवायरमेंटल, जनरल साइंस और लैंड रिफॉर्म। जनरल साइंस की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। एंड इसके साथ एक ऐड क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक, वो होता है टेक, ठीक है। क्या पार्ट ऐड हो जाता है, वो हो जाता है टेक, ठीक है। अगर टेक की बात करें तो टेक मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, यानी वर्तमान का जो आपका प्रौद्योगिकी है। आप क्या DRDO के बारे में आप क्या जानते हो, आप इसरो के बारे में क्या जानते हो, आप FEL के बारे में क्या जानते हो, मिसाइल जो टेक्नोलॉजी आप क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है, मिसाइल्स हैं, कौन कौन से कैटेगराइज मिसाइल हैं, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 का क्या कैटेगराइजेशन है, कितनी रेंज है, सब कुछ पढ़ना है हमें इसके, ठीक है। और हम लोग इससे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा टेक में, जब टेक का क्लास चलेगा तो एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक साइंस के साथ ऐड हो जाता है, यानी ये था मेरा पूरा पेपर 4 का सिलेबस। और ये भी कितने मार्क्स का होता है, अगर मार्क्स की बात करें तो ये भी 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पेपर्स, हम लोग 5 और 6 के आगे, 5, 6, 7, 8, 9 हमारा जो पेपर बच गया उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा कि इससे पहले अभी हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं पेपर कहाँ तक, पेपर 4 तक। चलिए पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9 अब हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे मेंस का सिलेबस, क्लियर है। उससे पहले आपने लक्ष्य मूवी देखी है किसी ने? हाँ जी, ऋतिक रोशन वाली, करेक्ट। आपने देखा है ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर रहता है उनको, उसको उसमें आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल डाइवर्स रहता है, उसे पता ही नहीं रहता उसे क्या करना है एग्जैक्टली। लेकिन जब उस अपना लक्ष्य वो मतलब मान लेता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, जब वो अपना लक्ष्य बना लेता है एक बार कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, और आर्मी में ज्वाइन ही नहीं करनी बल्कि कुछ इतिहास रचना है, ठीक है, तो वो आर्मी ज्वाइन भी करता है और वो इतिहास भी रचते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको साधने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य आपको ये बताना होगा कि आपका जो लक्ष्य होगा वो मेरा UPSC है, और अगर इस लक्ष्य में अगर कहीं कठिनाई होती है तो आप एक अच्छे मेंटर से मिलें, ठीक है, और सीडिंग सक्सेस आपको मेंटर देगी यहाँ पर, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्लियर है। चलिए हम आते हैं पेपर 5, एथिक्स। इसका जो सिलेबस है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, केस स्टडी, पब्लिक एंड सिविल बिहेवियर। बात करें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एथिक्स मतलब हो गया नैतिकता, एथिक्स मतलब क्या हो गया, नैतिकता मतलब मोरालिटी, एथिक्स आपने सुना होगा कि आपके अंदर क्या, आपने बचपन में सबको ही पढ़ा होगा नीति शिक्षा, ठीक है, तो ये कुछ है नहीं, आपने जो बचपन में नीति शिक्षा पढ़ी है उसी नैतिकता पर आधारित एक चैप्टर, और सबसे ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि नैतिक शिक्षा क्या है, और मोरालिटी जो हमारा जो मोरल है, जो हमारा क्या है नैतिकता, हमारे अंदर का जो इंसानियत है वो किस तरह का है, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे नैतिक शिक्षा से या नैतिकता पे आके, तो क्या आया जाएगा आपका, जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि आपके मूल कर्तव्यों को आप कैसे देखते हो, ठीक है, आपके मूल कर्तव्यों को आप कैसे देखते हो, या आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी नैतिकता कैसी होगी। एक सिचुएशन दे दिया जाएगा और उसमें आपकी नैतिकता का गहन परीक्षण किया जाएगा क्वेश्चन के आधार पे। ये बहुत इजी पेपर होता है, ठीक है,
आते हैं इसमें एक और चीज़ होता है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब हो गया जैसे पुलिस क्या करती है, किसी केस को सॉल्व करती है, उसी तरह इसमें कुछ केसेस होते हैं, मतलब एक घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम को आपको क्या होगा पढ़ाया जाएगा। जब हम लोग बताएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह का घटनाक्रम होता है, बहुत अलग अलग तरह के घटनाक्रम होते हैं, उस घटनाक्रम को आपको पढ़ना है और उसी घटनाक्रम पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं। अगर आप घटनाक्रम को सही से पढ़ोगे और विश्लेषण उसका कर पाते हैं आप तुरंत, तो आप बहुत आराम से उसका आंसर दे पाइएगा। तो ये बहुत इजी पेपर होता है, ठीक है। रहा बात पब्लिक और सिविल बिहेवियर, यानी एक आम इंसान और आप जब सिविल सर्वेंट बन रहे हो तब आपका बिहेवियर, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप अपने आप को कैसे देखते हो, इसका नैतिक मूल्यों पर निर्धारण करें, ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस ने अगर दे दिया तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे करोगे, तो आपको उन सारे पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा जो एक कॉमन इंसान और एक सिविल सर्वेंट के बीच में देखना चाहिए, ठीक है। उसके अंतर को कौन कैसे पता चलेगा, तो वो सारा कुछ आपको नोट्स में मिलेगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे और जो मेंटर्स आपको बताएंगे बहुत इजी वे में बताएंगे, ठीक है, कि सिविल और पब्लिक बिहेवियर कैसे हमारा डिफरेंस हो सकता है। क्या होता है, एक कॉमन आदमी जब आप बैठते हो एज अ कॉमन मैन तो बहुत सारी खामियाँ होती है, लेकिन जब आप एक सिविल सर्विस में एक आईएएस आईपीएस के रूप में आप सामने आओगे तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा है, एट ए टाइम आप कैसे डिसीजन लेते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक कामनेस, एक स्थिरता, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप ये आईएएस आईपीएस वाली जो फील होती है वही फीलिंग को रखकर इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक और सिविल बिहेवियर, एक आम इंसान और एक सिविल सर्वेंट के बीच का बिहेवियर में अंतर, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उससे आएंगे। तो ये हो गया हमारा इथिक्स और इंटीग्रिटी, केस स्टडी और पब्लिक और सिविल बिहेवियर। ये हो गया पेपर 5, बहुत ईजी पेपर है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 250 मार्क्स का होता है। और इसमें तो अगर सही से तैयारी करें, ठीक है बच्चा, तो काफ़ी अच्छा नंबर आपका मतलब आ सकता है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मेंस के लिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें अच्छा स्कोर लाते हैं, जिससे उसका मेंस का पेपर क्या हो जाता है, स्कोरिंग के लेवल में बहुत अच्छा चला जाता है। तो इसको जब पढ़ाया जाएगा तो आपको इससे ईजी सब्जेक्ट कुछ नहीं लगेगा, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हो गया पेपर 6। पेपर 6 और पेपर 7 क्या था, थोड़ा सा मैं समझा दूँ। पहले पेपर 7 का नंबर जोड़ा जाता था, पहले पेपर 7 का नंबर इंग्लिश जोड़ा जाता था, लेकिन फिर बीच में एक विवाद हुआ। बहुत से बच्चों ने कहा कि भाई हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हम लोग का जो इंग्लिश जो होता है वो टफ हो जाता है, तो इसको हटा दिया जाए, ठीक है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना फैसला सुनाया और यूपीएससी को वो मानना पड़ा, ठीक है। तो फैसला ये आया कि इंग्लिश का जो मार्क्स जोड़ा जाता था वो अब नहीं जोड़ा जाएगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। नहीं तो पहले किसका था, इंग्लिश का मार्क्स जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये दोनों पेपर, पेपर 6 और 7, ये दोनों पेपर क्या हो गए हैं, ये क्वालिफाइंग हो गए हैं, इनका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। इन दोनों पेपर का मार्क्स क्या है, मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, यानी इन दोनों पेपर को सिर्फ पास करना है आपको। और ये पेपर 6 की बात करें तो पेपर 6 में जो हिंदी माध्यम वाले वो हिंदी रख सकते हैं, या कोई दूसरे माध्यम के जैसे उर्दू वाले उर्दू रख सकते हैं, बांग्ला वाले बांग्ला रख सकते हैं, उसी तरह जो भी अनुसूचियां में जो भी लैंग्वेजेस शामिल है 8वीं अनुसूची में, ठीक है, वो अपने लैंग्वेजेस को रख सकते हैं, ठीक है, यानी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं और वो इस पेपर को अपना दे सकते हैं। और ये प्योर कैसा होता है, हिंदी का अगर आप बात करें तो हिंदी में क्या आएगा, हिंदी का जो पेपर होगा इसका होगा, ये मोस्टली होगा व्याकरण का पोर्शन इसमें, ठीक है, मोस्टली व्याकरण का पोर्शन होता है। उसके साथ क्या आ जाएगा, निबंध लेखन आ जाएगा और कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती है, संधि समास, आपको व्याकरण पता है क्या क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, विग्रह, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, प्लस क्या पढ़ना है, कुछ हॉट टॉपिक्स पढ़ के जाना है जिसपे आपको निबंध लिखने दे दिया जाएगा। तो एक बिल्कुल क्वालिफाइंग है, सिर्फ जांचा जाता है कि आप एक अधिकारी बन रहे हो तो आपको हिंदी आती है कि नहीं, या कोई जो 8वीं अनुसूची में जो भी लैंग्वेजेस शामिल है उसमें कोई एक लैंग्वेज आपको आता है कि नहीं, तो ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना। उसी तरह इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी क्या पूछा जाता है, मोस्टली ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, प्लस और क्या पूछा जाता है, पैराग्राफ या फ्रेज राइटिंग,
ठीक है, प्लेज राइटिंग इसी तरह के जो सिलेबस हैं। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको पता है इंग्लिश में क्या पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव्स, ठीक है, बीच में सेंटेंस जो है कंप्लीट करना, या प्रॉपर्स नाउन्स हैं या अदर्स जो चीज़ें हैं ग्रामर में, उन चीज़ों को पढ़ना है। तो इंग्लिश ग्रामर के साथ आपको क्या जाएगा, कुछ पैराग्राफ राइटिंग रहेगा उसको करना है। ऐसे हो सकता है आपको दे सके इसमें लिखने का, फ्रेज राइटिंग से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंग्लिश के हमारे सिलेबस में। और ये दोनों पेपर सिर्फ क्या होता है, ये दोनों पेपर क्वालिफाई होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अगर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो बाकी के पेपर्स आपके जांच नहीं होते हैं, इसलिए सबसे पहले यही पेपर्स चेक होते हैं मेंस में, क्लियर है। इसलिए इनको क्वालिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके बाकी के पेपर्स चेक होंगे। यानी इसको ईजी वे में नहीं लेना है आपको, इसको क्या करना है, मस्ती में पढ़ता है लेकिन क्वालिफाई करने लायक पढ़ना है, क्लियर है। और ये बहुत आसान होता है, इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बचपन में सभी ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, बचपन में सभी व्याकरण पढ़ते हैं, उसी को फिर से रिपीट करना है। चलिए हम आते हैं पेपर 8 और पेपर 9 की तरफ, ठीक है। पेपर 8 और मैं यहाँ हटा देता हूँ, और पेपर 8 और 9 मैं एक जगह कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं इसको। ये हो गया पेपर 8, पेपर 9। पेपर 8 और पेपर 9 में आने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ये ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। ऑप्शनल का पेपर है कहने का मतलब है कि जिस तरह जेपीएससी का जब आप एग्ज़ाम देते हो, मैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ, जब आप जेपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर क्या चूज़ करना पड़ता है, आपको लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है। आइदर आप हिंदी चूज़ करो, नागपुरी चूज़ करो, संथाली चूज़ करो, खोटा चूज़ करो, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब आप यूपीएससी का पेपर देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर की एक लिस्ट होती है जहाँ से जाके आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ETC, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें, ठीक है। आप किसी एक सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल पेपर के लिए चुनते हैं, जैसे मैंने यूपीएससी का जब एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था तो मेरा ऑप्शनल पेपर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही जिन बच्चों का हिस्ट्री में पकड़ होता है, ठीक है, वो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर रख लेते हैं, जिनकी पकड़ फिलॉसफी पे होती है वो फिलॉसफी रख लेते हैं, जिनकी पकड़ इकोनॉमिक्स में होती है वो इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, जो ज्योग्राफी के बच्चे होते हैं ज्योग्राफी रख लेते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका एक प्रॉपर जो लिस्ट होता है वो हमारे PDF में अटैच रहेगा जब हमारा क्लास होगा, ठीक है। तो आप उस सारे चीज़ों को आप देख पाइएगा कि क्या लिस्टिंग है। इवन आप जाके UPSC के साइट में भी इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ऑप्शनल पेपर का कौन कौन सा पेपर अवेलेबल है और मैं क्या चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हो गया पेपर 1 और पेपर 2 क्या है। जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया, ठीक है। इसमें से कोई बच्चे हिस्ट्री चूज़ करेंगे, कोई ज्योग्राफी। अब क्या होता है, किसी भी चूज़ को जो आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, मान लो आपने ज्योग्राफी चूज़ किया, तो ज्योग्राफी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ ऊपर में, ठीक है, इसको मान लो आपने ज्योग्राफी चूज़ किया, क्लियर है। तो ऑप्शनल पेपर आपने क्या क्या चूज़ किया, आपने ज्योग्राफी चूज़ किया, तो ज्योग्राफी का ही जो सिलेबस है, ठीक है, उसको दो भागों में बांट दिया गया है, सिलेबस 1 और सिलेबस जो है 2, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट है, दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी एक ही सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस को दो भागों में बांट दिया गया है। पहले सिलेबस का जो पेपर होता है वो कहलाता है ऑप्शनल 1, और दूसरे सिलेबस का जो पेपर होता है वो कहलाता है ऑप्शनल 2। पहले सिलेबस का जो पेपर होता है क्या कहलाता है, ऑप्शनल 1, और इसी का सिलेबस का जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है ऑप्शनल 2। अगर पबैड की बात करें तो पबैड का भी उसी तरह बांट दिया जाएगा, एक ही बुक्स है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है पबैड आपका, उसका जो सिलेबस है उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला जो है पार्ट वो कहलाया ऑप्शनल 1 पेपर, और जो दूसरा सिलेबस का भाग है वो कहलाया ऑप्शनल 2 पेपर। इसलिए क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो एक ही रहता है। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 का मतलब यहाँ कोई दो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट उठाना है, उसी के सिलेबस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब ये दोनों जो पेपर होते हैं, पेपर 8 और पेपर 9, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं, क्लियर है।
तो ये था मेरा मेंस का सिलेबस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? पेपर सिक्स था मेरा हिंदी और लैंग्वेज में कोई एक पढ़ना, और ये और पेपर सेवन था मेरा इंग्लिश, दोनों में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर्स के पोर्शन होते हैं, और ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, इनका मार्क्स ऐड नहीं होता है। क्लियर है? इनका मार्क्स ऐड नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं पेपर एट, पेपर नाइन, इनका मार्क्स ऐड होता है, और ये मेरे ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल मुझे लिस्टिंग्स में जाकर कोई एक पेपर लिस्ट से उठाना पड़ता है जो मेरे इंटरेस्ट का हो, जिसे मैंने चूज़ किया हो, उसके सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया और दो पेपर बना दिए गए उसी के, ऑप्शनल वन और ऑप्शनल टू। क्लियर है? यानी जब ज्योग्राफी का आप चूज़ करते हो तो ज्योग्राफी के सिलेबस को दो भागों में बांट दिया गया, और पहला भाग कहलाया ऑप्शनल वन पेपर और दूसरा भाग कहलाया ऑप्शनल टू पेपर। ऑप्शनल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाना है, कोई दो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो ये था मेरा कंप्लीट मेंस का सिलेबस। ठीक है, अब हम आते हैं मेंस के मार्किंग में। मैं इसको अब थोड़ा रब करने जा रहा हूँ। होप कि आपको क्लियर विजन हो गया होगा कि मेंस में सब्जेक्ट वाइज कैसे डिवीजन होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको मार्किंग करते हैं इसकी। ठीक है, कि मेंस एग्जैक्ट कितने मार्क्स का हुआ। तो आप देखिएगा कि मेंस मेरे टोटल कितने पेपर हो गए, टोटल पेपर हो गए 9 ऑप्शनल्स को मिलाकर। ठीक है, सारे ऑप्शनल्स को मिलाकर मेरे पेपर हो गए 9। टोटल हमने 9 पेपर के बारे में अभी डिस्कस किया। ठीक है, मेरे पेपर्स टोटल हो गए, टोटल पेपर्स जो हो गए जो हमने डिस्कस किया 9, जिसमें से दो पेपर मेरा जो था पेपर कौन सा सेवन सॉरी पेपर सिक्स और सेवन, जो मेरा पेपर सिक्स और सेवन था वो दोनों क्वालिफाइंग था। यानी पेपर सिक्स एंड सेवन था वो मेरा क्या था, क्वालिफाइंग था। यानी ये दो पेपर इसमें से हट जाएंगे, यानी नौ में अगर मैंने दो पेपर हटा दिया तो मेरे पास कितने बच गए, टोटल सेवन पेपर हो गए जो मेरे क्या होंगे, मेंस में मार्किंग वाले पेपर हो गए जिनका मार्क्स ऐड होता है। और हर एक पेपर कितने का था, हर एक पेपर था मेरा 250 मार्क्स का। तो अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 250 इंटू अगर हम 7 करें तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1750। ठीक है, ये है मेरा टोटल मेंस का मार्क्स, टोटल मेंस का मार्क्स। क्लियर है? मेरा मेंस कितने का हो गया, 1750 का मेंस हो गया। अब इसी पे, इसी 1750 में होता क्या है कि अभी तक आप विगत 5-6 वर्षों में देखिएगा तो लोग 50% भी नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, जो टॉपर्स हो रहे हैं उनका भी 50% नहीं आया है। आप समझ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में ये स्थिति हो गई है। तो आप सोचिए कि कितना टफ इवैल्यूएशन होता है, इसके लिए आपको कितना अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये कंटेंट आपको कौन प्रोवाइड कराएंगे, आपके मेंटर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आप एक अच्छे मेंटर्स के साथ बने रहोगे तो आप एक अच्छा नंबर ला पाओगे, तभी आप मेंस के जो क्वालिफाइंग नंबर्स होते हैं उसमें आप जा पाओगे। यानी 1750 में, ठीक है, अब मेरा मेंस का जो है टोटल मार्क्स हो गया। अब हम आते हैं फेज थ्री में, जो मेरा मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस में बनता था, जो मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पे। तो अब हम लोग, ये मेरा 1750 हो गया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग फेज थ्री पे। ठीक है, फेज थ्री पे आते हैं हम लोग। फेज थ्री जो मेरा था वो था इंटरव्यू। फेज थ्री क्या था मेरा, इंटरव्यू। क्लियर है? फेज थ्री क्या था मेरा, इंटरव्यू। हम लोग इंटरव्यू की जहाँ तक बात करें बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इंटरव्यू में जाओगे। ठीक है, जब आप मेंस क्वाली, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, वो इंटरव्यू अटेंड करते हैं, जो फाइनल फेज होता है यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसीजर का। ठीक है, तो ये जब इंटरव्यू देने जाओगे आप, आपको इतना मज़ा आने वाला है जितनी आप, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब इतना आराम से होता है। बहुत लोगों को क्या होता है, बच्चों को डर होता है कि भाई इंटरव्यू है, ये पहन लेते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, अलग दिखते हैं, थोड़ा अल्टर तैयारी करके जाते हैं, इंटरव्यू है भाई कैसे पूछेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, आपको एक फॉर्मल लुक में जाना है, आपको एक फॉर्मल लुक में जाना है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके जो सीवी वहाँ जमा होंगे, ठीक है, उसी से पूछे जाएंगे। आपका जो सीवी होता है, ठीक है, वो जमा रहता है पहले से, जो उसी से पूछे जाएंगे। क्लियर है? यानी आप जो अपना इन्फॉर्मेशन सामने वाले यूपीएससी पैनल को दोगे उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी आपकी हॉबी क्या है, आपके पर्सनल लाइफ में आपका एजुकेशन क्या था, आप क्यों बीटेक अगर आपने किया है तो आप क्यों यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ
पर्सनल, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? अगर है तो कितनी है? बहुत सारे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ईजी वे में टैकल किया जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इंटरव्यू पैनल में जाओगे। ये एक इंटरव्यू की बात करते हैं, तो फेज थ्री इंटरव्यू हो गया, ये अपने आप में क्या होता है? पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू कहने का मतलब है कि इसमें 4 से 5 लोग होते हैं, ठीक है? 4 से 5 लोग होते हैं, 4 से 5 लोगों का एक पैनल बना होता है, ठीक है? इस 4 से 5 लोगों के पैनल में एक क्या होंगे, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, तीसरे साइकेट्रिस्ट होते हैं, मतलब वो आपको हर तरीके से तौलेंगे कि क्या एक ऑफिसर के लिए आप सूटेबल हैं कि नहीं, ठीक है? इवन आपकी साइकोलॉजी भी चेक की जाएगी कि आप कैसे इन कर रहे हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे उठते हो, जब बैठे हो तो क्या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, वो अपने आप में सब कुछ हर चीज़ नोटिस किया जाता है, समझे? तो उसमें आपको ये भी तक चेक किया जाएगा कि एट द प्रेजेंस ऑफ माइंड इस बंदे का कितना दिमाग काम करता है, इसमें क्या डिसीजन लेने की क्षमता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक इंटरव्यू का छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? एक इंटरव्यूअर था, ठीक है, जब वो उसने मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू पैनल के लिए गए, उनसे पूछा गया कि क्वेश्चन क्या था कि एक बरसात की रात हो रही थी, ठीक है, उसमें एक बरसात की रात में आप अपनी 2 सीटर कार से कहीं जा रहे थे, आप अपने 2 सीटर कार से कहीं जा रहे थे, एक बस स्टैंड पे एक बूढ़ी औरत को आपने देखा जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ठीक है? उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा था जो आपका पुराना ड्राइवर रह चुका है कार का, और तीसरी एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है, जिसको आप हमेशा ड्रीम में आप देखते हो, जो मतलब आपकी ड्रीम गर्ल है, ठीक है? तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे, आप क्या करोगे? किसी ने बहुत स्मार्टली आंसर दिया, बहुत स्मार्टली आंसर दिया। स्मार्टली आंसर क्या दिया कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चूँकि मेरी कार 2 सीटर है, इसमें 3 लोग नहीं आ सकते, तो मैं सबको तो कर नहीं सकता, और चूँकि उस बूढ़ी औरत का क्या था, तबीयत ख़राब था, तो मैं सबसे पहले अपने पुराने ड्राइवर को बोलूँगा कि उस औरत को लेकर कहाँ चले जाए, उस बूढ़ी औरत को लेकर अस्पताल चले जाए, और मैं खुद बरसात की उस रात में अपने उस ड्रीम गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा सर। तो ये एक स्मार्ट आंसर था, ठीक है? और किसी से पूछा गया, एक दूसरे व्यक्ति थे उनसे पूछ लिया गया कि अगर मैं आपकी बहन को लेकर भाग जाऊँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो बंदा थोड़ा हुरमुट टाइप का था, ठीक है, उसने बोल दिया सर अगर वैसा करेगा तो मैं आपको मर्डर कर दूंगा, ठीक है? तो वो रिजेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये नहीं था कि उसने इसलिए बोला कि मैं आपको मर्डर कर दूंगा या मैं आपको पीट डालूंगा या आपको मारूंगा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, इसलिए उसने रिजेक्ट नहीं किया गया था। वहाँ पर्सपेक्टिव क्या था, इसी क्वेश्चन को दूसरे बंदे से भी पूछा गया जो सेलेक्ट हुए थे, उसने इसका आंसर दिया कि सर मेरी सिस्टर के लिए, चूंकि एक आप IAS ऑफिसर हो, उससे सूटेबल वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है सिर्फ पॉजिटिविटी देखते हैं, कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो आपकी बहन को लेकर नहीं भागने वाले थे, क्लियर है? वहाँ से दिल्ली से रांची नहीं आने वाले हैं, क्लियर है, ठीक है? और ऑलरेडी काफ़ी एजिड रहते हैं, तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी चेक करते हैं आपकी। जब उस बरसात की रात वाले सिनेरियो में किसी ने आंसर दिया, ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग बहुत अल्टर आंसर दे देते हैं, ठीक है? तो हर एक वाइब्रेशन को आपके इंटरव्यूज़ में चेक किया जाता है, इसमें कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन है। एक जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे जो क्वेश्चन किया गया था कि एज ए IPS ऑफिसर, ठीक है, आप झारखंड के लिए क्या करना चाहोगे, ठीक है? तो अगर बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, अगर बोला मुझे कहा गया था कि अगर आपकी पोस्टिंग रांची कर दी जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे यहाँ बेटर एक शासन व्यवस्था लाने के लिए, ठीक है, बेहतर पुलिस की व्यवस्था स्टेबल करने के लिए, आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो पहला आंसर था मैंने जो दिया वो था मेरा कि मैं पब्लिक के साथ संवाद करना चाहूँगा, क्योंकि चूँकि रांची मेरा एक फ्रेंडली इलाका रहा है तो मुझे यहाँ संवाद स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी और शायद मैं उसके थ्रू वहाँ के क्राइम्स को काफ़ी कम कर सकता हूँ, ठीक है? एक मुझसे और भी क्वेश्चन किया गया था कि झारखंड में आप दो बड़े जो सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है उसको आप किस रूप में निरूपित करोगे, कैसे देखते हो, क्या है? तो मेरा जो मैंने आंसर दिया था वो था यहाँ के लिए नक्सलवाद और भूमि अधिग्रहण की समस्या जो यहाँ के विकास में बाधक है,
ठीक है, तो बहुत से लोग बहुत से आंसर देते हैं और जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन आपका आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे उस किसी बंदे ने बोल दिया कि मेरी सिस्टर को आप लेकर चले जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा, ठीक है, या उसको गाली आपने दे दिया, आपकी पॉजिटिविटी वहाँ नहीं दिखी। आप क्या होगा, आप एक आईएएस अफसर हो, आपको काम रहना, आपको स्थिर रहना है, आपको पॉजिटिव थिंक लेकर चलना है वहाँ पर, ठीक है, एट ए टाइम आपको डिसीजन लेना है कि जो मेरे आंसर्स हैं, तो वही साइकोलॉजी भी आपकी इंटरव्यू में चेक होती है, क्लियर है। तो आप जब इंटरव्यू को देखोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो जो चेक करते हैं यही 4-5 लोग करते हैं जो अपने आप में अपने अपने विभाग में स्पेशलिस्ट होते हैं। और चूंकि ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो आप बहुत डरे हो तो आपको पहले रिलैक्स कर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप डर रहे हो, भाई डर रहे हो तो आराम से हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू अब मज़े से चलने वाला है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, भाई अपने बारे में बताओ, मम्मी पापा बारे में बताओ, बहुत ईजी सवाल, ठीक है, क्यों क्रिकेट मतलब है तो सचिन तेंदुलकर कौन है आपका फेवरेट, सचिन तेंदुलकर अच्छा यही बता दो सचिन तेंदुलकर का जन्म कहाँ हुआ था, पहला शतक उन्होंने कब लगाया था, कुछ भी आपके हॉबीज से उठाकर सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी वे में चलता है, ठीक है। तो इंटरव्यू जो होता है ये कितने मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है यूपीएससी का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू, ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी भी एक प्रॉपर तरीके से कर की जानी चाहिए, क्योंकि 275 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको काफ़ी अच्छी मार्किंग भी मिलती है, ठीक है। तो अब हम बात करें टोटल मार्क्स की, जो मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स की मेरिट लिस्ट, तो मेरा कितना था मेंस 1750, क्लियर है, प्लस 275 इंटरव्यू, हम इसको टोटल करते हैं कितना होगा, कितना हो गया मेरा 2025, ठीक है। तो ये हुआ मेरा टोटल मेरिट लिस्ट का मार्क्स, इसी के बेस पर क्या तैयार होता है मेरिट लिस्ट, क्या तैयार होता है मेरिट लिस्ट, यानी आपको इस 225 का जो मार्किंग होगा इसके मार्किंग पे आपको अपने मेरिट लिस्ट में आपको लाना होगा, क्लियर है। यानी ये था मेरा होल यूपीएससी सिलेबस, और आप इसको कैसे क्रैक करोगे तो मैं 10 मिनट में ये बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले पीटी के लिए चाहिए, कि पीटी के लिए आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं सबसे बेसिक यूपीएससी के लिए वो होती है एनसीईआरटी। कोई भी बच्चा क्या होता है ना, मैंने बहुत बच्चों को देखा कि आते के साथ इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड बुक उठा लिया, पॉलिटी में स्टैंडर्ड बुक उठा लिए, हिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक उठा लिया आप लोगों ने, लेकिन आप जब बेस ही नहीं पढ़ रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक में आपको कितना नॉलेज मिलेगा, कहने का मतलब स्टैंडर्ड बुक में आपने नॉलेज तो ले लिया लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका पिलर तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी बेस पिलर, और वो आपको कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी का जब बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे बेस पिलर से तैयार करना है, नोट जो हमारे रैंक कंटेंट्स वो एनसीईआरटी से अपटूडेटेड रहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर है डेडिकेशन, एग्जाम्स निकालने के लिए डेडिकेशन, ठीक है। कुछ बच्चे होते क्या है ना कि इंटर पहुँचे और उनको आजकल जो एक बीमारी चली हुई है इंटर के बाद ही शुरू हो जाता है, अभी आप फ़ोन लगाओगे सबका रिंगटोन उसी के हिसाब से सेट मिलेगा, जिनका दिल टूटा हुआ है वो सैड सॉन्ग लगा लेते हैं और जिनकी जिनकी चल रही है स्टोरी वो क्या करवाते हैं नाचने वाले लगा लेते हैं, दिल खुश होने वाले लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इस डाइवर्शन से हमें बचना है, हमें देवदास नहीं बनना है, ठीक है, हमें क्या बनना है, हमें ये बनना है आईएएस आईपीएस आईआरएस, ठीक है, आईएफएस, दिस इज़ माय ड्रीम एंड यू शुड क्रैक इट। आपको करना चाहिए और करना इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप इस सर्विस में आओगे तो आपको इसका जो चार्म है इसमें आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, कि क्या होता है एक आईएएस, क्या होता है एक आईपीएस। बगल से अगर कोई एसपी या एसएसपी की गाड़ी गुजर जाती है तो क्या एक अंदर से लगता है कि अरे यार काश काश उस गाड़ी में मैं होता, कितना मज़ा आता, मेरे मैं उतरता यार, मेरे दोस्त बोलते कि हाँ देखो आज क्या है मेरा फ्रेंड एसपी है, ठीक है, एक अंदर से ही आपको एनर्जी महसूस होती है। सोचो जब आप इस पोस्ट पर रहोगे तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है, ये अपने आप में
पब्लिक से जुड़ने के लिए, इस देश और राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ओहदा होता है। चलिए, आज हमने यूपीएससी का जो सिलेबस था आपके सामने हम लोग डिस्कस कर लिए, जो पीटी मेंस और इंटरव्यू के पैटर्न पर जो हमारा मेरिट लिस्ट है इसी पर तैयार होता है। आप जुड़े रहिए सीडिंग सक्सेस के साथ। मैं अविनाश आर्य आप लोगों के साथ बीच में आता रहूँगा, ठीक है। आज हम यूपीएससी का कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी के बारे में। तो मैं आप लोगों में नेक्स्ट वाले सेशन में जेपीएससी के जो सिलेबस है और आप जेपीएससी को कैसे क्रैक कर सकते हो काफ़ी कुछ उसमें डिस्कस करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, थैंक यू वेरी मच। मैं अविनाश आर्य मिलता रहूँगा सीडिंग सक्सेस में एज अ मेंटर ऑफ जीएस वेरियस सब्जेक्ट्स। थैंक यू।